पहले जो कोरोना चल रहा था अच्छा खासा, तब हमारे ऊपर वही पुलिसकर्मी वही सब लोग हमारे ऊपर फूल बरसा रहे थे। और जब हम यहाँ भोपाल प्रदर्शन कर रहे थे अपनी शांतिपूर्वक पूर्वक अपनी मांगों को लेके बैठे हुए थे और धरना प्रदर्शन करके बैठे थे, तो उन लोगों ने हम पे लाठी चार्ज किया। सारे जो स्टाफ थे हमने एक साथ मिलके 8 महीने से काम किया है, और जब सरकार ने एक नियम निकाला है कि सबको 50-50 कर दिया है, 50-50 के बाद जो आधे स्टाफ है जिनको निकाला उन्होंने भी हमारे साथ काम किया, सबने साथ मिलकर काम किया, तो आधे को निकाल दे और आधे को रखना ये सही नहीं किया। इस मांगों को लेकर हम भोपाल आए थे, और भोपाल आने के बाद हम यही चाहते थे कि हमको नियमितीकरण मिले, तो हम यहाँ नीलम पार्क में बैठे हुए थे, वो भी परमिशन लेके हम बैठे हुए थे। और हमको शासन प्रशासन से जो हमारी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि सीएम साहब हमसे मिलने आएंगे, सीएम साहब का वेट कर रहे थे हम लोग, और सीएम साहब तो नहीं आए पर उनके पुलिसकर्मी आए, जो उन्होंने भेजे थे पुलिसकर्मी आए, जो पहले जो कोरोना चल रहा था अच्छा खासा, तब हमारे ऊपर वही पुलिसकर्मी वही सब लोग हमारे ऊपर फूल बरसा रहे थे। और जब हम यहाँ भोपाल प्रदर्शन कर रहे थे अपनी शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेके बैठे हुए थे और धरना प्रदर्शन करके बैठे थे, तो उन लोगों ने फूल बरसाने की बजाय हम पे लाठी चार्ज किया तो इस हद तक किया उन्होंने कि जो हमारे स्टाफ, जो हमारी बहनें हमारे साथ में थी, जो प्रेग्नेंट वुमेन थी, उनको इतनी बेरहमी से मारा कि देख भी नहीं सकते, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के बाल खींच रहे, किसी के कपड़े तक फटे हैं लड़कियों के, यहाँ पे छाती पे पैर, मतलब छाती पे पैर, मेल पुलिस वाले लड़कियों के छाती पे पैर रख रहे हैं, मतलब ऐसा इंसाफ मिलता और ऐसा हमारा सम्मान किया है यहाँ पे। हम प्रदेश सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों पर तुरंत ध्यान दिया जाए, अन्यथा हम प्रदेशव्यापी हड़ताल का आह्वान करने जा रहे हैं। बहुत बुरी तरीके से हम लोगों को घसीट घसीट के सेंट्रल जेल ले जाया गया, वहाँ ले जाने के बाद हम लोगों को कुत्तों की तरह बिठा दिया वहाँ पे, और हमारे आधे साथियों को अंदर कर दिया, आधी लड़कियों को अंदर कर दिया, बहुत बुरा व्यवहार किया, और लड़कियों को धमकाया, लड़कों को धमकाया, और आधे साथियों को रात को छोड़ दिया, और जो हमारे साथी 50 साथी और है वो लोग अभी भी जेल में है, उनको अभी तक भी रिहा नहीं किया गया है, और उनके लिए हम बैठे हैं, हमको इंसाफ चाहिए, बस हमको इंसाफ चाहिए।